गुजरात में लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में संसद के दोनों सदनों में संग्राम हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल स्थगित कर इस मामले में बहस कराने की मांग की गई। लोकसभा में लालकृष्ण आडवाणी और राज्यसभा में अरुण जेटली ने ये मुद्दा उठाया। सरकार ने ये बात नहीं मानी तो विपक्ष के सांसद हंगामा करने लगे। इसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। बीजेपी के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी ने आरोप लगाया, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मशवरा किए बगैर पूर्व जस्टिस आर ए मेहता को राज्य का लोकायुक्त नियुक्त करना संघीय ढांचे का उल्लंघन है। सुषमा स्वराज ने कहा, लोकायुक्त की नियुक्ति के खिलाफ अब अदालत फैसला लेगी। हिंदुस्तान के इतिहास में किसी प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री से सलाह किए बिना कोई राज्यपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति कर दे। चीफ मिनिस्टर को बताए बिना आप एक लोकायुक्त की नियुक्ति कर दें और वो भी एक एक्टिविस्ट की नियुक्ति कर दें, ये बिल्कुल भी संविधान सम्मत नहीं है। इसलिए गुजरात सरकार कोर्ट में भी गई है इसके खिलाफ। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस और सरकार दोनों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। The proposal of the Gujarat government is to change the appointment procedure from appointment by a Chief Justice of Gujarat to the Chief Minister of Gujarat appointing the person who is to police himself. So I think this is a very very interesting commentary on the hypocrisy and the double standards of the BJP. कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें कि अपने विवेक से गवर्नर को राज्यपाल महामहिम राज्यपाल को निर्णय करने होते हैं, अपने विवेक से करने होते हैं। उन बातों में मंत्री परिषद की ओर से तो कोई प्रस्ताव नहीं जाता है। और वैसे भी क्या नाम मुख्यमंत्री भेजते या मंत्री परिषद भेजता।